सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, जहाँ पर भी होंगे। मैं आज लाई हूँ यूनिट नंबर 12 ग्रेड 9 के बलोचिस्तान बोर्ड की पार्ट नंबर 1। ठीक है, चूंकि इसका जो है एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी थी, इसी वजह से दो पार्ट किया है इसको। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वर्ड्स मीनिंग से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जिफ बहरा, बेंट झुकना, स्लाइटली हल्का सा, आई साइट बसारत, स्पिल्ट गिरा हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास है कफिंग खांसी, डिस्गस्टिंग मखरू, फ्रीक्वेंटली कसरत से, स्टोव चूल्हा, अर्थन मिट्टी, हेंस फोर्थ उस वक़्त से। अर्थन प्लेट जो है ना वो मिट्टी की बनी हुई है। ठीक है, रोल्ड या रोल्ड, कॉल्ड इट दांता दांता। ओके, साइट अहबरी, स्टीकिंग बिट्स। ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या मतलब है। क्यूरियस मुतजस्स, एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदा हुआ। ओके, गिल्टी मुजरिम, बर्स्ट फट। ओके, रश्ड जल्दी, स्पील का मैंने पहले से बताया था, अब आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको याद रहा है स्पील का या नहीं, मतलब मेरे मतलब है कि स्पील की मीनिंग अगर याद रहा है सो टाइप यस। ओके, द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन आंसर इन क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मैन। उसकी फिजिकल कंडीशन के बारे में बता दे। द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मैन वॉज पुअर, बहुत ज्यादा खराब था। ही वॉज ऑलमोस्ट डीफ एंड हिज बैक वॉज स्लाइटली बेंड। वो तकरीबन जो है ना बहरा हो चुका था और उसकी जो बैक साइड थी वो स्लाइटली बेंड हो चुका था। ठीक है, हिज आई साइट वॉज वीक, उसकी जो आई साइट थी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। एंड हिज नीज शुक व्हेन ही वॉक्ड, और उसकी जो है ना क्या कहते हैं नीज थी, वो जब चल रही थी सो जाहिर बात है उसके पाव बहुत ज्यादा मतलब शुक कर रहा था, शेक हो रहा था। ठीक है, समटाइम्स हैड अ रनिंग नोज, कभी कभार उसके रनिंग नोज भी थी। एंड ही कफ्ड वेरी बैडली, और बहुत ज्यादा बुरी तरीके से उसको कफ थी, खांसी थी। व्हाई डिड हिज सन एंड डॉटर इन लॉ सेंड द ओल्ड मैन टू ईट इन द किचन। सारी बात है, आज का दौर भी यही है कि बूढ़े लोग और गरीब लोग किसी के काम के वो नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जहां तक मैंने वो किया है। द सन एंड हिज डॉटर इन लॉ फाउंड इट डिस्गस्टिंग व्हेन द ओल्ड मैन मेट अ मैस ऑफ हिज फूड, क्योंकि उसके रनिंग नोज से वो कभी उसके फूड में चला जाता था, सो ऑब्वियसली ही कुडन हैंडल इट, सो दैट्स व्हाई दे जस्ट फेल्ट बैड। इसी वजह से इन्होंने जो है ना किचन पे ही भेज दिया। एज द मैन वॉज डूइंग दिस टू फ्रिक्वेंटली, जब इसने कसरत से ये काम किया, दे कुड नॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, फाइनली दे ऑर्डर्ड हिम टू ईट इन द किचन। तो उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगा, उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उन लोगों ने क्या आखिरकार ये कहा कि उसको हुक्म दिया कि आप जो है किचन में ही खाना खा ले, स्टोव के पीछे ही। व्हाई डिड द ओल्ड मैन फील सैड एंड लोनली, वो गमगीन और तन्हा क्यों था, मतलब फील क्यों कर रहा था, महसूस क्यों कर रहा था। द ओल्ड मैन फेल्ट सैड एंड लोनली बिकॉज ही वॉज ऑर्डर्ड टू सिट ऑल अलोन इन अ कॉर्नर बिहाइंड द किचन स्टोव। जाहिर बात है मैं हूँ आप हैं, ठीक है, कभी किसी के गम पे, कभी किसी के लाचारी पे हंसा ना करे, क्योंकि दुनिया गोल है और वो जो है ना वापस आके आपके पास ही आता है। एंड द ओल्ड मैन डिड नॉट गेट इनफ फूड टू सेटिस्फाई हिज हंगर, एक तो उसको भेज दिया था किचन चूल्हे के पीछे, और दूसरा उसको जो है ना काफी मकदार तक उसको खाना भी नहीं मिल रहा था, तो वो भूखा रह जाता था। इस वजह से भी वो जो है ना महसूस कर रहा था गमगीनी का और लोनलीनेस का। व्हाट हैपेंड टू द अर्थन प्लेट, मिट्टी के प्लेट के साथ क्या हुआ। वन डे द ओल्ड मैन मैन नहीं है मैन, मैंस अपोस्ट्रॉफी लगनी चाहिए, ठीक है, हैंड शुक सो मच दैट ही कुड नॉट इवन होल्ड हिज प्लेट। उसका जो है ना क्या रहते हैं हाथ जो है ना वो लरज रहा था, इसी वजह से वो अपने हैंड अपनी प्लेट को वो सही तरह से नहीं पकड़ सका। इट क्रैश्ड ऑन द फ्लोर एंड ब्रोक इन टू मैनी पीसेस, वो जो है ना जमीन पर गिर गया और जाहिर बात है फिर वो पीसी एक टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, तो इस वजह से।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई द सन एंड डॉटर इन लॉ रिग्रेट व्हाट दे हैड डन टू द पुअर ओल्ड मैन. बहुत ही ज्यादा समक आमोस क्या है चैप्टर है. आखिर तक देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि नॉलेज बढ़े. आजकल बहुत सारी जो बेहयाई वाली चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा व्यूज़ और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है. लेकिन मेरी मोटो यही है कि हम एजुकेशन से ही हरा सकते हैं. सो लेट्स डू इट. द सन एंड डॉटर इन लॉ रिग्रेट व्हाट दे हैड डन टू द पुअर ओल्ड मैन बिकॉज देयर ओन सन मेड देम अ वुडन बाउल. क्योंकि वो दोनों रिग्रेट इसलिए कर रहे थे, बचता इसलिए रहे थे क्योंकि उसके अपने औलाद ने उसके लिए एक वुडन बाउल बना लिया था. He said that when you and father grow old, we'll be able to eat from this bowl. यानी कि जो जब आप लोग बुढ़े हो जाओगे तो आप लोग भी जो है ना इसी ही बाउल में आप लोग खाना खाओगे. सो इस वजह से उन लोगों को पता चला कि उन लोगों ने गलत किया है. तो दोस्तों यही है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एग्जैक्ट यही आंसर्स लिखने हैं और देखिए अपनी सॉलिड मार्क्स. और नेक्स्ट आ जाते हैं द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंड सन चूज द करेक्ट ऑप्शन. मैंने सिर्फ आंसर्स ही दिए हैं तो काइंडली आप लोग आंसर्स पे फोकस कर लीजिएगा. देयर आर फोर पीपल इन दिस स्टोरी. चार बंदे थे स्टोरी में, एक ओल्ड मैन और उसके ग्रैंड सन और उसके माँ बाप. ठीक है. द ओल्ड मैन ऑफन स्पिल्ड हिज स्पिल्ड आ जाएगा ठीक है सूप और ऑन वाटर ऑन द टेबल क्लॉथ. ठीक है, या कि अपनी पानी को या अपनी वो. ठीक है. द ओल्ड मैन वॉज ऑर्डर टू सीट इन द किचन. ओके, ही वॉज फर्स्ट गिवन हिज फूड ऑन एन अर्थन प्लेट. अर्थन ठीक है. द बॉय वॉज ट्राइंग टू मेक अ वुडन बॉल. वुडन ओके. सो दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं मैच द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस. इन फ्रेजेस के हम जो है ना क्या मैच कर लेते हैं. कॉलम है बर्स्ट इनटू टीयर्स, इसका मतलब है स्टार्टेड क्राइंग. ठीक है. क्रूल ट्रीटमेंट हार्श ट्रीटमेंट. अर्थन प्लेट प्लेट मेड ऑफ क्ले. मेड अ मैस क्रिएटेड डिसऑर्डर. स्लाइटली बेंट लिटिल कर्व्ड. ठीक है. तो आ जाते हैं The old man and his son translate the following paragraph into Urdu. दोस्तों ना भूलिएगा कि मैंने कॉलम में कोलंबी के आंसर ही दिए हैं. ठीक है. ठीक है, पहले स्टार्ट कर लेते हैं. दामाद और बहू को ये नागवार गुजरा जब बूढ़े आदमी ने अपने खाने में गड़बड़ की. जैसा कि बूढ़ा आदमी अक्सर ये करता था वो उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे. आखिरकार इन्होंने उसे बावर्ची खाने के चूल्हे के पीछे एक कोने में बैठने का हुक्म दिया. वहां उन्होंने उसे मिट्टी के एक छोटे से प्लेट में खाना पेश किया. उसके बाद से बूढ़े को अपनी भूख मिटाने के लिए इतना खाना भी नहीं मिलता था. वो वहां बैठा बहुत उदास था और तन्हा महसूस कर रहा था. उसने मेज की तरफ देखा जहां दूसरे अपने लजीज खाने से लुत्फंदोज हो रहे थे. आंसू उसके गालों पर गिरे. वो अक्सर मौत की तमन्ना करता था. अल्लाह इस तरह की जिंदगी किसी को भी ना दे, आमीन. तो हमें मोहताज करे सिर्फ अपनी ही बस अपनी ही दर का, किसी और दर की हम मोहताज ना हो. सिर्फ अल्लाह ताला जिसने हमें खल्क किया है, अल्लाह ताला ने खल्क किया है, बस उसी के हम मोहताज रहें. बाकी सबको अल्लाह ताला उनके मगफरत करें, उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करें. और दोस्तों या ये पार्ट वन मैंने कवर कर लिया है. इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे. और इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत आगे तक जाइएगा. मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. और